अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये चार्जेबल मोटरसाइकिल है किड्स के लिए, इसको चेक करेंगे। इसमें मसला ये है कि ये चार्ज नहीं ले रही है, तो इसको खोलेंगे, खोल के इसकी बैटरी वगैरह और कंट्रोलर चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉक टू यू प्रो यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके दोस्तों इधर दो स्क्रू हैं स्टार, ये देखें दो स्क्रू इधर है और इधर ये लगे हुए हैं नट, ये दो हैं। ये खोलेंगे और ये कवर इसका रिमूव कर देते हैं। इधर भी लगे हैं इसके दो स्क्रू, एक इधर है और एक इधर है, ये भी खोल लेते हैं इसके। जी दोस्तों, तो ये कवर हमने निकाल दिया है। इधर एहतियात करनी है कि ये वायरिंग जो है ये टूट ना जाए। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट के कनेक्शन है और ये बटन के हैं, तो ये हम इधर से ये कनेक्टर निकाल लेते हैं। इसका ये लाल वाला कनेक्टर जो है इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद ये कनेक्शन जो है ये इसकी बैटरी का है, इसको भी निकाल लेते हैं। और इसकी बैटरी जो है वो निकालेंगे, ये स्क्रू इधर से खोल के इसकी बैटरी निकालेंगे और इसको चेक करेंगे। ज़्यादातर इसका मसला जो है बैटरी में आ जाता है, जो चार्ज नहीं लेती। ये बैटरी इसकी बाहर आ गई है दोस्तों। बाकी इसका जो है ये इसका कंट्रोलर है और ये बाकी के कनेक्शन है इसके, ठीक है। और ये इसका जो है एडाप्टर है, चार्जिंग एडाप्टर। दोस्तों ये बैटरी देख लें इसकी, ये तकरीबन 12 वोल्ट की है देखें, और 5 एम्पेयर है ये। तो बैटरी को चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि बैटरी का मसला है या इसमें मसला है। इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर के साथ। मल्टीमीटर को डीसी पे लगा लिया हमने और अभी इसके पॉइंट देख लेते हैं। ये बैटरी जो है बिल्कुल डेड है, काम नहीं कर रही है, देखें बिल्कुल ये काम नहीं कर रही, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सप्लाई लगा के चेक करते हैं, पावर अडाप्टर लगा के इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी सप्लाई हमने लगा दी है,
इसका ये जम्पर लगा देते हैं, ये कनेक्टर कनेक्टर लगा के इसको चेक करते हैं डायरेक्ट। ये बटन जो है इधर से आ नहीं है, अब इसको चला के देखते हैं। ये इसका रनिंग बटन है, तो दोस्तों स्कूटर में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है ये वर्किंग में बिल्कुल। बस मसला जो है इसका बैटरी का मसला है, ठीक है। अभी एक और चीज चेक कर लेते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं कि ये आउटपुट इधर दे रहा है कि नहीं बैटरी के लिए, ठीक है। ये बैटरी का मेन कनेक्टर है, तो इधर हमने वही रखा हुआ है डीसी पे, और इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये आउटपुट निकाल रहा है, ये 12 से लेके 54 वोल्ट तक जो है ये एडाप्टर जो है ये चार्ज करता है बैटरी को, ठीक है। तो दोस्तों इसकी बैटरी तब्दील करके फिर इसको चेक करेंगे। बाकी स्कूटर जो है वो बिल्कुल ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो चेक करा लिया हमने। ये देख ले एडाप्टर पे डायरेक्ट चल रहा है, बस इसकी बैटरी रिप्लेस करके फिर आप दोस्तों को ये चेक कराते हैं। तो दोस्तों ये बैटरी हम इसकी रिप्लेस कर लेंगे, ये हमारे पास दूसरी बैटरी है, इसको लगाएंगे, और ये इसकी वो पुरानी वाली बैटरी है। तो इसका ये कनेक्टर जो है इसको रिमूव कर लेते हैं। ये पुरानी बैटरी साइड में कर लेते हैं, और इधर इसको प्लस माइनस का ख्याल रखना है, इस तरह से इसको लगा देते हैं इधर। ये दोस्तों दोनों साइड हमने लगा दी है, सोल्डरिंग हो गया इसका, अब इसको फिट करके चेक करते हैं। इसके ऊपर ये प्रोटेक्शन के लिए इसको लगा देते हैं, उसके बाद इसको ऐसे इसमें बिठा देंगे बैटरी को। इधर एक स्क्रू है, इसको लगा देते हैं इधर इसके ऊपर। अभी दोस्तों जस्ट सिंपल ये एक कनेक्टर है बैटरी का, ठीक है, इसको इसमें लगा देते हैं। ये कनेक्टर लग गए दोस्तों, सारे कनेक्शन होने के बाद अभी इसको फिक्स कर लेते हैं। ये सारे स्क्रू इस पे लगा के फिर इसको चेक करते हैं। इसको दोस्तों अभी खड़ी कर देते हैं साइकिल को,
ये फ्रंट वाले जो दो नट हैं इनको थोड़ा टाइट कर लेते हैं और इसके बाद इसको चेक करेंगे। ये चार्जर लगा लेते हैं इसमें। ये इसका बटन है ऑन ऑफ का। ये देखें दोस्तों, इसमें लाइट जो है वो ग्लू हो चुकी है। अभी इसको चेक करते हैं, लेकिन पहले इसके नीचे कुछ रखते हैं कि ये आगे ना भागे। ये साइड हमने उठा ली, इसके भी चेक करते हैं बटन से। ये दोस्तों चार्ज लग चुका है इसमें, और ये देखें ये बटन इसका ये ग्लू हो चुका है। अभी इसको इधर से ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। क्यों? चार्जिंग पे लगा हुआ, ये देखें ऑन नहीं हो रहा है। खाली टिक की आवाज़ आती है ऐसे, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो चार्जर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और अभी चेक करते हैं इसको। ये दोस्तों बिल्कुल ओके हो गया है। इसमें फॉल्ट सिर्फ और सिर्फ बैटरी का था। इसकी पुरानी बैटरी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म थी, डेड हो चुकी थी। तो हमने क्या किया, इसमें बस खाली एक बैटरी रिप्लेस की है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।